आगजनी केस में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर आज फैसला टल गया। एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी के छुट्टी होने पर सुनवाई नहीं हो सकी। इरफान के वकील करीम सिद्दीकी ने बताया कि अब कोर्ट ने फैसले की अगली डेट 22 मार्च दी है। इरफान के भाई रिजवान के साथ सभी आरोपी आज कोर्ट में पेश हुए हैं। महाराजगंज जेल से मंगलवार सुबह पुलिस वैन में सपा विधायक को कानपुर की कोर्ट लाया गया। वैन से उतरते इरफान ने अपने अंदाज में अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हाथ में कुरान ले उतरे, कुरान चूमी और मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना बोले, दुआओं में याद रखना। सपा विधायक इरफान सोलंकी इन दिनों रोजा रख रहे हैं। केस में फैसले और चुनाव को देखते हुए कानपुर में बेहद हाई अलर्ट है। पुलिस ने सुबह कोर्ट परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। पूरा परिसर पुलिस फोर्स से खचाखच भरा रहा।